और धन्यवाद आप सभी को कि आप समय पर आ सके। जब आप समय पर नहीं आ पा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि हम संसद के पहले सत्र की स्तर पर हैं, हम उसको संगठित कर रहे हैं। संसद का जो इंग्लिश नेम है पार्लियामेंट है, और बचपन में 6th क्लास की जीके में मैंने पढ़ा था कि पार्लियामेंट मीन्स ग्रुप ऑफ ऑल्स, तो खैर इसलिए शायद आप लेट हों। मेरे यहाँ पे माय पर्पस ऑफ बीइंग हेयर इज जस्ट ए पोएम ऑफ धूमिल, उनकी कविता है, कविता का नाम है संसद और रोटी। कविता ऐसी है कि एक आदमी रोटी बनाता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक और आदमी है जो न रोटी बनाता है न रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ कि वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, और मैं धूमिल साहब की इस तीसरे आदमी की परिकल्पना को चेंज करना चाहता हूँ। माई रोल इज इन अ पार्लियामेंट इज जस्ट बींग अ सिंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पब्लिक। मेरे पास कहने और करने को बहुत कुछ है, मगर मैं पावर एंजॉय नहीं करना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू स्पीक लाउड। और मेरी जो नेशनल एजेंडा है वो असल में भाई ने कह दिया, ये असल में मेरा बहुत ही लोअर ग्राउंड एजेंडा है, इसे प्राइमरी एजुकेशन कहिए आप। हिंदुस्तान में हमने अगर अच्छी शिक्षा नहीं पाई सरकारी स्कूलों में, तो हमने अपने बच्चों को कॉन्वेंट भेज दिया बिना ये आस्क किए कि सरकार हमें अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं दे रही। आपको एक रेशियो 2015 का रेशियो है कि हिंदुस्तान के हर ज़िला में लगभग 5 मदरसे हैं, और बिहार में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, और बिहार के हर ज़िले में लगभग 5 मदरसे हैं। जब और मदरसे की स्थिति यह है कि वहाँ सरकार के कागज़ पे वहाँ विज्ञान पढ़ाई जा रही है, गणित पढ़ाई जा रही है, रसायन शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं, मगर असल में हकीकत यह है कि वहाँ एक टोपी वाले साहब हैं जो गुना भाग जोर से पढ़ा देते हैं और काम ख़त्म हो जाता है। अगर अब वहाँ से पढ़ के कोई बच्चा बाहर आता है तो वो ऐसे अतार्किक शिक्षा को लेकर जब वो हमारे पास पहुँचेगा तो हम उसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो हमारी तरह संवेदनशील हो, आपकी तरह इस तरह बैठा हो? कभी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि वो पूरी जो उसका जो करिकुलम है उसको चेंज किया जाए, और मैं उस लोअर ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहता हूँ और मैं बोलना चाहता हूँ। और जो मेरा दिल्ली